नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, टी न्यूज के संवाददाता संजीव गाइन ने पीलीभीत के ग्राम प्रधान प्रत्याशी किंकर विश्वास जी से खास बातचीत की और इस इंटरव्यू के जरिए हमें ग्राम प्रधान प्रत्याशी किंकर विश्वास जी की कुछ खास बातें जानने को मिली। जैसे किंकर विश्वास 4 बार वार्ड मेंबर रह चुके हैं और इनका हर संभव प्रयास रहता है जनता के प्रति कार्य करने का, जिसके चलते ये आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया, सुनिए। किंकर जी, आप नौजिले गांव के 4 बार मेंबर रह चुके हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं और पब्लिक आपके साथ है। ऊपर वाला जाने, जनता जनार्दन होता है। जनता का मन में क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। ऊपर से जनता कहते हैं हाँ मैं आपका साथ हूँ, पता नहीं अंदर से क्या कहता है वो। अगर मन से वोट किसी को डाले वो प्रत्याशी जीत जाता है। जनता अगर सेवा चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जरिए जनता का सेवा हो। मैं 4 बार मेंबर रह चुका हूँ, मैं थक गया। इसमें मेरा कोई नाम रोशन नहीं हो रहा है क्योंकि एक मेंबर कुछ कर नहीं सकते। जब उनका सेवक ग्राम प्रधान का जो सेवक होता है वो अगर साथ दे तब जाके जनता को सेवा होता है। लेकिन हमारा बीच में जो लोग प्रधान रह चुके हैं इनका जरिए कोई मेंबर का आज तक परिचय नहीं हुआ। ये इस बात का है, वो इस बात का है। मेंबर को कोई पूछता है अरे आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, मेंबर पहले तो सोचता है कि हाँ इनको देंगे, प्रधान जब हमारा साथ है तो मिल जाएगा। बाद में क्या होता है नहीं मिलता है। चुनाव का टाइम जब आता है मेंबर जब गांव में घूमता है कहता है कि क्या हुआ वो शौचालय का लिस्ट आया नहीं, तो मेंबर क्या बताएगा कहाँ से देंगे हम। जब ऊपर से दे रहे तो हमारा प्रधान का जरिए जो भी कुछ शायद मिलना चाहिए नहीं मिलता है तो मेंबर उसमें हार जाता है। तो मैंने मन ही मन सोचा अगर मेरा पसंद का कोई प्रधान हो उसका तो हम साथ देंगे, लेकिन उसे कहना है मेंबर को साथ लेके अगर सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हो तो उसमें हम शामिल हैं, नहीं तो मैं जनता का अगर प्यार मोहब्बत है अगर 20 वर्ष तजुर्बा है तो जनता हमें साथ देगा। मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ, मेरा आखिरी चुनाव है। मैं सेवा के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे सुदामा समझ करके मुझे साथ दीजिए। मैं जनता को सेवा करूँ, जनता का सेवा में आऊँ, बस और कुछ नहीं जानता हूँ। इसके अलावा क्या बीते 5 सालों में जो प्रधानी लड़ चुके उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है? क्या विकास, वही प्रधान जाने जो भी कोई अधिकारी होता है वो तो प्रधान को मालूम है, उनका घर में आता है, मेंबर का घर में तो नहीं जाता है। एक खुली बैठक होना चाहिए हर महीना, पंचायत भवन मार्केट में है वहाँ कोई बैठक भी नहीं हुआ। 5 साल बीत गया तो पुराना 5 साल वो छोड़िए, इस 5 साल भी कभी बैठक भी नहीं बुलाया कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या विकास होना है, क्या मतलब आ रहे ऊपर से क्या ज़रूरत है गांव में, इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो अब वही जाने जो अधिकारी लोग जाने और मेंबर प्रधान जो है वही जानता है, बस क्या बताएं। बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी मनोज हालदार के साथ संजीव गैन की रिपोर्ट।